आज अगर आप किसी भी एम्बिशियस स्टूडेंट से पूछो कि उसे फ्यूचर में क्या बनना है, तो हर किसी का जवाब होगा आईएएस ऑफिसर या फिर एक एंटरप्रेन्योर। ये दोनों ही काफी चैलेंजिंग टास्क हैं, बट जहां तक बात एक एंटरप्रेन्योर बनने की है, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, तो ये कोई आसान काम नहीं है और कुछ ही लोग हैं जो ऐसा कर पाते हैं। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हर अच्छे बुरे सिचुएशन को अपने फेवर में कन्वर्ट करना जानते हैं। ये चीज उन्होंने किसी स्कूल या कॉलेज में नहीं सीखी, बल्कि सालों के एक्सपेरिमेंट्स, फेलियर्स और हार्डवर्क से सीखी हैं। सो क्या फर्क है आम लोगों में और उनमें जो सक्सेसफुल होते हैं? इस सवाल का जवाब है उनकी सोच। और सक्सेसफुल पीपल कैसे सोचते हैं, उसे समझने के लिए ये है 16 क्रूशियल लाइफ लेसन्स फॉर फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स। नंबर 1, स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। लोग फेलियर के डर से इतना घबरा जाते हैं कि वो कुछ नया स्टार्ट ही नहीं करना चाहते, बट सक्सेसफुल लोग बिल्कुल ऑपोजिट सोचते हैं। एमी पोयलर ने कहा था, ग्रेट पीपल डू थिंग्स बिफोर दे आर रेडी। सो नेक्स्ट टाइम जब भी आप एक्सक्यूजेस बनाए कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, सपोर्ट नहीं है, पैसे नहीं है, देन रिमेंबर कि रेडी होने से पहले स्टार्ट करना बेटर है, वरना आप जिंदगी भर रिग्रेट करोगे। और डोंट यू डेयर से कि मुझे नहीं पता कहां से शुरू करूं। नेवर से आई डोंट नो वेयर टू स्टार्ट। कोई नहीं जानता कि शुरुआत कहां से करनी है जब तक कि वो शुरुआत करते नहीं। द फर्स्ट स्टेप इज टू फिगर आउट द फर्स्ट स्टेप। मुझे पता है कि सुनने में ये नॉनसेंस लग रहा होगा, बट फर्स्ट स्टेप तभी पता चलता है जब आप फर्स्ट स्टेप लेते हो, यानी कोई एक्शन लेते हो। जरूरी नहीं है कि वो राइट स्टेप हो, जस्ट टेक सम एक्शन एंड बिगिन। नंबर 3, कॉम्पिटेंस ब्रीड्स कॉन्फिडेंस। क्या कॉन्फिडेंट लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं या सक्सेसफुल लोग ज्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं? जवाब है दोनों। कॉन्फिडेंट होने के लिए आपको कॉम्पिटेंट होना पड़ता है, यानी जैसे जैसे आप किसी स्किल को प्रैक्टिस करते हो और उसमें इम्प्रूव करते हो, आपका डर खत्म होने लगता है और कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। और जैसे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, आप उस स्किल में और केपेबल होते जाते हो। ये दोनों ही इंटरडिपेंडेंट है, बट इन दोनों के लिए पहले एक्शन जरूरी है। एक्शन इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कॉम्पिटेंस। आप किसी भी चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकते जब तक आप उसे ट्राई ना करो। नंबर 4, इम्प्लीमेंटेशन वर्सेस इंफॉर्मेशन। हाँ, सक्सेसफुल लोगों को नॉलेज की भूख होती है और वो जिंदगी भर कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, बट नॉलेज से आप सक्सेसफुल तभी होंगे जब आप उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करेंगे। आप दुनिया की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, बट अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो उसे अप्लाई भी करना होगा। नंबर 5, डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। ट्राइब ऑफ मेंटोर्स की बुक में नेवी सील जोको विलिंक ने कहा था कि हर किसी को फ्रीडम चाहिए। दिन में ज्यादा टाइम चाहिए, जेब में ज्यादा पैसे चाहिए, बट कोई उसे पाने के लिए उतनी मेहनत नहीं करना चाहता, क्योंकि उसे पाने का एक ही तरीका है, डिसिप्लिन। अगर आपको खुद के लिए ज्यादा वक्त चाहिए, तो आपका टाइम मैनेजमेंट सिस्टम और डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, तो आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए, जैसे सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। सक्सेसफुल पीपल दूसरों से ज्यादा स्मार्ट नहीं होते, वो बस ज्यादा डिसिप्लिन होते हैं। नंबर 6, डन इज बेटर देन परफेक्ट। परफेक्शनिज्म सक्सेस के चांसेस को खत्म कर देता है, बिकॉज जब आप परफेक्शन की ओर भागते हो, तो आप कभी भी अपने टास्क पूरे नहीं कर पाते और ना ही उन्हें अप्रिशिएट कर पाते हो, जो कि आपके कॉन्फिडेंस लेवल के लिए बहुत जरूरी है। ना आप अपना वो ब्लॉग पब्लिश कर पाओगे, ना वो प्रोडक्ट लॉन्च कर पाओगे, ना अपने आइडियाज दुनिया के सामने ला पाओगे। इसलिए डन इज बेटर देन परफेक्ट। मार्क ज़करबर्ग भी यही मानते हैं, और इसलिए उन्होंने फेसबुक के हेडक्वार्टर्स में ये पोस्टर भी लगाया है। नंबर 7, नेवर फियर क्रिटिसिज्म। आप ये जानते हैं, मैं ये जानती हूँ, इनफैक्ट सभी ये जानते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए हर इंसान के पास दो चॉइसेस होते हैं। पहला, स्पीक अप, अपने आइडियाज शेयर करो, कुछ नया ट्राई करो और क्रिटिसिज्म का सामना करो। दूसरा,
कि क्रिटिसिज्म से बचो, उसे अवॉइड करो, ना कुछ बोलो, ना कुछ करो, ना कुछ बनो। ये मैं नहीं कह रही, ये एल्बर्ट हूबर्ट कहते हैं। टू अवॉइड क्रिटिसिज्म, से नथिंग, डू नथिंग, बी नथिंग। सक्सेसफुल पीपल पहला ऑप्शन चुनते हैं, इसलिए जब तक आप इनविजिबल नहीं होना चाहते, आप क्रिटिसिज्म से दूर नहीं भाग सकते। इनफैक्ट सक्सेसफुल पीपल डेवलप थिक स्किन। कुछ लोग कहेंगे कि तुम गलत हो या तुम्हारा काम अच्छा नहीं है। इनफैक्ट कभी कभी कुछ लोग बिना किसी वजह के आपके साथ मीन हो जाते हैं। बट बिजनेस में आपको इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ता है, इसलिए सक्सेसफुल पीपल अपनी जर्नी की शुरुआत में ही थिक स्किन डेवलप करते हैं, और इसलिए उन्हें दूसरों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वही करते हैं जो उनका दिल कहता है। नंबर 9, इनवाइट कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। फीडबैक के बिना आप कैसे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं? क्रिटिसिज्म मीन हो तो बुरा लगता है, और इसी वजह से लोग इसे अवॉइड भी करते हैं। हाउएवर, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म इज क्रूशियल फॉर सक्सेस, इसलिए कई सक्सेसफुल लोग फीडबैक अप्रिशिएट करते हैं। इलॉन मस्क कहते हैं कि अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बेहतर करने के लिए एक फीडबैक लूप होना सबसे बेस्ट तरीका है। नंबर 10, शट अप एंड लिसन। सक्सेसफुल पीपल जानते हैं कि अपने आइडियाज को शेयर करना अच्छी चीज है। हाउएवर, वो ये भी जानते हैं कि कब उन्हें चुप रहना चाहिए और दूसरों की सुनना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर ईगो नहीं होता, बिकॉज ईगो इज द एनिमी। खुद को स्मार्ट और इंटेलेक्चुअल लोगों से घिरे रखना चाहिए, ताकि आप उनसे सीख सकें और उनके आइडियाज से भी इंस्पिरेशन ले सकें। ये पॉइंट मुझे हाउस ऑफ कार्ड्स टीवी सीरीज का एक सीन याद दिलाता है। जब प्रेसिडेंट की टीम को एक नया स्पीच राइटर ज्वाइन करता है, तो वो उनके स्पीच में कुछ रिविजन्स करता है, जिसे देख स्टाफ से एक लड़का उसे पूछता है कि तुमने तो मेरी लिखी हुई पूरी स्पीच ही बदल दी। जवाब में वो नया स्पीच राइटर बोलता है कि तुम्हें एक अच्छी स्क्रिप्ट चाहिए या तुम्हारी लिखी हुई स्क्रिप्ट चाहिए? डू यू वॉन्ट टू बी गुड और डू यू वॉन्ट टू बी योर्स? ये थोड़ा हार्श था, बट सही भी। सक्सेस की जर्नी में किसका आइडिया है वो मैटर नहीं करता, किसका आइडिया सबसे बेस्ट है वो मैटर करता है। नंबर 12, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। सक्सेसफुल लोग बाकी लोगों के कंपैरिजन में रिस्क को बेहतर समझते हैं। वो रिस्क लेते हैं, और जब वो आइडिया सक्सेसफुल होता है तो उससे उनका फायदा होता है। लेकिन वो ये भी जानते हैं कि 10 में से ज़्यादातर आइडियाज फेल होते हैं, इसलिए सक्सेसफुल लोग डाइवर्सिफाई करते हैं। वो कभी भी एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंडेंट नहीं रहते। नंबर 13, सराउंड योरसेल्फ विद दोज हु विल टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल। आप जिन लोगों के साथ रहते हो, आप उन्हीं के तरह बन जाते हो, क्योंकि ये ही लोग आपकी लाइफ को सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं। अगर आप अपने इर्द गिर्द नेगेटिव, टॉक्सिक और डीमोटिवेटेड लोगों को रखोगे, तो आप उन्हीं के जैसे बन जाओगे। जस्ट बिकॉज आपको कंपनी की ज़रूरत है, इसका मतलब ये नहीं कि आप टॉक्सिक एंड अनप्रोडक्टिव लोगों के साथ रहोगे। अपनी लाइफ में हेल्दी एंड मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स रखो, ऐसे फ्रेंड्स रखो जो तुम्हें इंस्पायर करें एंड गाइड करें। नेक्स्ट, स्टार्ट नेटवर्किंग। नेटवर्किंग करियर में हाईएस्ट ग्रोथ लाने का शॉर्टकट है। 20s एक ऐसा टाइम है जब आप स्ट्रॉन्ग एंड म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश कर सकते हो, यानी ऐसे रिलेशनशिप्स जिनसे दोनों पार्टीज का फायदा हो। कोई भी इंसान अकेले सक्सेसफुल नहीं होता। हमारे कॉलीग्स, फ्रेंड्स, मेंटर्स हमें सही अपॉर्चुनिटीज ढूंढने में हेल्प करते हैं। सो स्टार्ट नेटवर्किंग, उन लोगों से मिलो जो तुम्हें तुम्हारे गोल्स तक पहुंचने में हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट, डोंट बी अ नो इट ऑल, बी अ लर्न इट ऑल। सक्सेसफुल लोग ये नहीं जताते कि उन्हें सब कुछ पता है। उनके अंदर नॉलेज की भूख होती है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स रीड करते हैं, ट्रैवल करते हैं और नए लोगों से इंटरेक्ट करते हैं। एंड फाइनली द लास्ट पॉइंट, स्टॉप वरिंग एंड बी पेशेंट। कम चिंता करने वाले लोग ही आगे चलकर सक्सेसफुल होते हैं। प्रॉब्लम्स के बजाय आपको सॉल्यूशंस के बारे में सोचना चाहिए। जो लोग अपने इमोशंस को कंट्रोल करना नहीं जानते, वो एक सक्सेसफुल बिजनेस एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। आपको पेशेंट होने की ज़रूरत है। जस्ट मास्टर द बेसिक्स।
सक्सेसफुल पीपल जैसे इलॉन मस्क जो बिलियन डॉलर कंपनीज एस्टैब्लिश करने में माहिर हैं, प्रिंस जो कि एक ग्रेट म्यूजिशियन है, इन सभी के सक्सेस का राज बस ये एक चीज़ है कि उन्होंने अपने बेसिक्स को मजबूत रखा।